अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से हैं। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, हमारी नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। जो हमारी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। आप हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक भी किया करें। रुकी रुकी कहाँ जा रहे हैं, फुल वॉश तो करें। इतनी मेहनत से बनाई है, फुल वॉश करने का हक तो बनता है। और मैं इंजॉय करने लगी अपनी मॉम के साथ। आप लोग तो भी बनाएं और इसे इंजॉय करें। इंजॉय योरसेल्फ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल माय रेसिपी बॉक्स। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्राई लेग पीस। एंड इनमें जो इंग्रेडिएंट्स में जुड़े हैं, सबसे पहले हमने होम मेड हमने मसाला लिया, लेकिन अगर आपने दूसरा लेना है मार्केट वाला तो आप तिक्का मसाला आप ऐड कर सकते हैं। इनमें सारी चीज़ें तो वैसे ही इंग्रेडिएंट जो है ना ऐड होती हैं, लेकिन मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें भी होता है ड्राई, लेकिन मैं दूसरा भी ऐड करूँगी। लेमन जूस, योगर्ट एंड दही। और अब सबसे पहले मैं लेग पीस जो है इसको कट लगाती हूँ। इस तरीके से आपने इनको ना डीपली कट लगाने हैं। लेमन जूस पहले मैं इतना ऐड करके देखती हूँ, अगर कम लगा तो फिर मैं और ज़्यादा लाऊं। वन टेबल स्पून इसके अंदर मैं ऑयल ऐड करूँगा। हमने मैरिनेट कर लिया, अब मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ। मैक्सिमम जो ना आप या मिनिमम आपने 2 से 3 आवर इसको रखना है, तो उसके बाद मैं आपको फ्राई करके इसको दिखाऊंगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ये देखिए मैरिनेट हो गया, अब हम इसको फ्राई करते हैं। चलिए वन टेबल स्पून में ऑयल डालें, उसके बाद फ्लेम हमने ऑन कर दिया और मीडियम साइज में हमने मीडियम रखी है, बिल्कुल तेज़ नहीं करनी है। अब हम इसको कवर करते हैं 5 या 10 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये जो साइड मैंने चेंज की है बहुत ज़बरदस्त तरीके से डन हो चुका है। ये देखिए फाइव मिनट के लिए भी हम इसको टाइम देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, हमारी नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हाफिज़।
आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। चाहे इसकी पिक्चर भी पसंद हो तो आप शेयर कर सकते हैं। वहाँ पर हमारे रेसिपी बॉक्स बना हुआ है।